Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel Huria Beauty Secret। तो guys आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि आपको पता है कि विंटर का मौसम है जो कि ज़्यादातर बच्चों के लिए और यंग नौजवानों के लिए या बूढ़ों के लिए, जिनको भी खांसी का इशू रहता है, ज़्यादातर ज़ुकाम वगैरह रहता है, उनके लिए आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। तो फ्रेंड्स आमतौर पे जो चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं उनको यूज़ करके मैं आपको जो है एक बहुत ही अच्छा जो है नुस्खा बताऊंगी जिससे आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपका ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आमतौर पर ये चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं, तो इससे पहले फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हुरिया ब्यूटी सीक्रेट पर विज़िट करें। नेचुरल रेमेडीज़ बताई जाती हैं स्किन के बारे में, हेड एंड फिट के बारे में, हेयर्स के बारे में, हेयर ग्रोथ के बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेमेडीज़ बताई जाती हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले जो आपको जो चीज़ यूज़ करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। हनी आमतौर पर हम घर में यूज़ करते हैं, ये आपने यूज़ करना है खांसी है अगर आपको, ज़ुकाम है, बलगम वाली खांसी है, जिस तरह छाती में हमारे दर्द होता है, तो इस तरह की खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। शहद को अगर आप हल्का सा गर्म करके जो है, दूसरी चीज़ वो मैं आपको बताती हूँ वो है एलोवेरा। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकती हैं एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा आपने लेना है। आपने इसको जो है आपने आग के ऊपर जिस तरह हम किसी चीज़ को भूनते हैं, आपने इसको इसी तरह पकड़ के आपने इसको आग के ऊपर भूनना है। भूनने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसको भूनने के बाद जो है थोड़ा सा ये ऊपर से ब्लैक हो जाएगा इसका। अच्छा आपने इसको भूनने के बाद जिसके अंदर जो आपने इसको छीलेंगे, इसको अंदर से जिसका जो है जूस या जो भी मादा निकलेगा, आपने उसको शहद के साथ यूज़ करना है, यानी शहद के साथ आपने इसको खाना है। तो फ्रेंड्स 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपकी खांसी बहुत ही ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी। एलोवेरा हमारी स्किन पे अगर ख़ारिश है, पिंपल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली एलर्जी के लिए, हर तरह की एलर्जी के लिए आप जो है फ्रेश एलोवेरा यूज़ करें तो उसके आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपने ज़रूर इस रेमेडी को खांसी के लिए, ज़ुकाम के लिए यूज़ करना है। शहद के साथ भुने हुए एलोवेरा का जूस लेना है आपने शहद के साथ। तो इसके अलावा भी आपने अगर और रेमेडीज़ लेनी हो तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में और भी अच्छी आपको रेमेडी बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।